नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है राधा होम ट्रिक्स। आज मैं आपको अपने जो DIY जो बनाते हैं आइटम खुद, उनकी दिखाती हूँ। वीडियो तो मेरे पास शायद उनकी नहीं है, क्योंकि पहले मैं वीडियो नहीं शूट करती थी। लेकिन आपको उसके लिए कि मैंने कैसे बनाया, उससे बनाने के लिए मैंने ये खाली बोतल्स है मेरे पास, दो बोतल्स हैं जो सॉस की खाली हो जाती है, वो मैंने उठा के रख रखी हैं। इन्हें मैं बना के आपको दिखाऊंगी कि ये प्रूफ होगा कि हाँ, वो जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मैंने ही बनाए हैं। ये तो बोतल्स हो गई, और ऐसे ही जो ये मटके होते हैं, होली अष्टमी का जो हम व्रत करते हैं उसमें मटके आते हैं, करवा चौथ का व्रत करते हैं उसके मटके आते हैं, उनको भी मैंने डेकोरेट किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसको सजा के कि मैंने जो पहले वाले हैं वो कैसे सजाए हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने खुद बनाए हैं DIY। फर्स्ट नंबर पे है ये बोतल। कल मैंने जो अपने बेडरूम की वीडियो एक डाली थी व्यवस्थित करने वाली, उसमें मैंने ये इसको आपको दिखाया है। इसको मैंने बनाया है, इसमें मैंने पहले जो हमारी ये बिंदी होती है छोटी बड़ी, वो सब बिंदी लगाई, उसके ऊपर गोल्डन पेंट कर दिया, फिर वो बिंदी हटा ली। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका ऐसा लुक आया था। जब हम इसमें लाइट जलाते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है ये। तो इस तरह आप अपने घर की बेकार चीजों से भी एक सुंदर आइटम बना सकते हैं बिना कुछ खरीदे। ऐसे ही मेरी एक ये बोतल है, सेकंड, ये छोटी सॉस की बोतल है जो चिली सॉस आते हैं ग्रीन और रेड, ये इसकी लाइट जलती है, देख पा रहे हैं आप। इस पे मैंने केवल डॉट 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 लगाए हैं और ये एक एंटीक पीस बन गया। नेक्स्ट मेरी ये बोतल है, इस पे भी मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, देख सकते हैं आप, सिंपल है बिल्कुल। लेकिन ये जो इसमें ये लाइट लगी है, ये मैंने मीशो से खरीदी है। लिंक मेरे को अभी नहीं देना आता, लेकिन मैं सीख लूंगी धीरे धीरे, तब मैं आपको लिंक भी दे सकती हूँ इसका। ऐसे ही आप ये मेरी एक बोतल देख सकते हैं, ये जो ओली ऑयल होता है ये मेरी उसकी बोतल थी, खाली हो गई, तो मैंने ये जो घर में रस्सियां होती हैं सुतली हम जिसे बोलते हैं, ये मैंने उससे डेकोरेट की थी। ये मेरे पास बटन रखे थे तो ये मैंने इसमें लगा दिए। इसमें भी मैंने लाइट्स लगाई हैं, आप देख सकते हैं, इसमें मैंने फूल लगाए हैं छोटे छोटे, ये भी एक डेकोरेटिव पीस बन गया है। आप ऐसे भी अब बना सकते हैं, ऐसा भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अब आती है मटकों की बारी। आप देख सकते हैं ये मेरे करवा चौथ का जो करवा होता है ये वो है, इसको मैंने पेंट किया, उसके बाद ये रेड कलर से इस पर डिजाइन बनाया और मिरर लगा दिए, तो ऐसा ये एक पीस बन गया। ऐसा ही मैंने दूसरा बनाया है सेम प्रोसीजर से। ठीक है फ्रेंड, हाँ मैं इसको इसके ऊपर इसको रखती हूँ, इसमें कुछ फ्लावर रख देती हूँ, ये बहुत सुंदर लगती है मटकी रखी हुई। ऐसे ही इनको चाहे तो मैं फेंक भी सकती थी, लेकिन मैंने इसको सजाया और अपने घर को एक सुंदर लुक दिया। इनको मैं कहाँ प्लेस करती हूँ ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जो आइसक्रीम की तिल्लियां होती हैं उससे मैंने ये बॉक्स बना रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप ऐसे करके दिया रख देते हैं, नीचे से मैंने इसको खाली रखा है, देखें आप, इसमें आप दिया रख के इसके ऊपर इसको रख दें तो ये बहुत सुंदर लगता है। जब रात को हम इसको जलाते हैं तो इसमें ऐसे लाइट चमकती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, अभी मैं लाइट बंद कर देती हूँ तो कैसा लुक है, और लाइट जला देती हूँ तो कैसा लुक है। इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, मुश्किल से है 10 या 15 रुपए की आइसक्रीम की तिल्लियां लगी हैं और थोड़ा सा ग्लू। ठीक है, और ये एक सुंदर पीस बन के तैयार हो गया। अब बात आती है इस वास की, ये वास भी मैंने खुद डेकोर किया है। आपको मैं बताऊं, आप देख सकते हैं ये एक गत्ते का बॉक्स है गोल, इसके अंदर एक वाइन की बोतल थी जो मेरे हस्बैंड ने किसी को गिफ्ट कर दी, मैंने उनसे ये डब्बा ले लिया था कि आप इसको छोड़ दो, मैं इसको डेकोर करूंगी। ये जो चौड़े वाले गोल्डन वाली लेस आती है मैंने इस पे ये पेस्ट कर दी, और जहां जहां लेस के बहुत जोड़ थे उसके ऊपर मैंने ये मिरर पेस्ट कर दिए, तो वो जोड़ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और ये एक सुंदर पीस बन के तैयार है। इसको मैं ऐसे ही इसमें ये फ्लावर लगा के अपने
अपने ड्राइंग रूम में रखती हूँ, ये बहुत ही सुंदर लुक देता है। इसकी भी मेरे पास वीडियो नहीं है बहुत, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं पहले वीडियो शूट नहीं करती थी। अब मेरा जो एक सबसे सुंदर पीस है मैं आपको वो दिखाती हूँ, आप देख पा रहे हैं ये कितना प्यारा मटका है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर है ये मटका। अब मैं इसकी कहानी आपको बताती हूँ। ये मटका जो आजकल टोटी वाले मटके चल रहे हैं, मैं आपका इसको इसका होल भी आपको दिखा सकती हूँ। आप देख पा रहे हैं इसमें ये होल है यहाँ पे। ये मैंने मटका मंगवाया था जो टोटी वाले मटके चल रहे हैं लास्ट ईयर, अभी जो गर्मियाँ गई हैं। इसमें मैंने 3 दिन पानी डाला, ये मतलब नीचे से लीक हो गया, तो फिर तो ये वेस्ट हो गया। अब इसका क्या कर सकते हैं, मैंने इसकी टोटी हटाई, इसको वाइट पेंट किया, पूरे पे वाइट पेंट किया 2 बार। वाइट पेंट करने के बाद फिर मैंने इस पे मिरर चिपका दिए। फिर ये जो इस पे गुजरियां बनी हुई है ये मेरी बेटी ने बनाई है, क्योंकि मेरी बेटी आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स कर रही है तो उसने ये बनाया है। और ये जो इसके नेक पे है ये मैंने वो लगाए, इसमें लेस जो आते हैं सिल्वर कलर, जैसे मैंने बास में गोल्डन लगाई है, ऐसे ये सिल्वर लेस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे भी देखो, ये बिल्कुल वेस्ट था, आप इसको फेंक देते, बस कुछ नहीं, कूड़ा ही फैलना था। अब इस ये मैंने जहाँ जहाँ भी प्लेस किया है अपने घर में, जब भी जो कोई आता है देखने वाला, अरे ये कितना सुंदर पीस है, अरे ये कितना सुंदर पीस है। और इसमें मुश्किल से मुश्किल मुझे जितना भी खर्चा आया आप 150 का लगा सकते हैं, मिरर बस और ग्लू और कुछ नहीं चाहिए। पेंट ये मेरे घर में पेंट हो रहा था तब, मैंने वही बचा हुआ था वही वाइट पेंट इस पे मैंने 2 बार कर दिया। इसकी वीडियो शायद थोड़ी थोड़ी क्लिप में मेरे पास है, क्योंकि ये जब मैं इसको बना रही थी तो ये मेरी बेटी ने शूट किया था, इसकी क्लिप मैं इस वीडियो में ही डाल दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप अपने घर में जो बेकार चीजें हैं, सॉस की बोतल है, खाली डब्बे हैं, किसी भी चीज से आप DIY करेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा, बिना पैसे के आपका घर सुंदर दिखेगा, आप उसे कहीं भी सजा सकते हैं। ऐसे ही अब मैं ये जो 2 बोतल हैं खाली, इनको डेकोर करके आपको दिखाऊंगी, तो उससे ये प्रूफ होगा कि मैंने ही अपनी बोतलें वो डेकोर करी है, किसी और की मैं उठा के नहीं लाई हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मटका भी मैं आपको डेकोर करके दिखाऊंगी कि मैं इसको कैसे डेकोर कर सकती हूँ। ठीक है, और फ्रेंड्स मेरी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि जो मुझसे गलतियां हो उन्हें माफ करें, क्योंकि मुझे अभी ज्यादा अच्छे से वीडियो शूट करना, एडिट करना नहीं आता है। जो भी आप सब ठीक समझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरी आपसे विनती है, प्लीज मुझे आपका साथ चाहिए। नमस्ते फ्रेंड्स।